नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। बरेली में शिया वक्फ बोर्ड लखनऊ के सदस्य वसीम रिजवी ने एक बार फिर से कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाने की मांग की है, जिसके चलते इस्लाम धर्म के लोगों में काफी आक्रोश है। वसीम रिजवी ने कहा है कि कुरान शरीफ में 26 आयतें ऐसी हैं जो दहशतगर्दी को बढ़ावा देती हैं। इसी संबंध में प्रधानमंत्री का खत लिखकर कहा है कि इन आयतों को हटाकर हमने नई कुरान लिखी है, जिसका सभी मुल्क में पढ़ाने का अनुरोध किया है। इससे पहले भी वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की थी कुरान शरीफ से 26 आयतें हटाने को लेकर, लेकिन जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने उस पिटीशन को खारिज कर उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और आगे से इस तरह का कृत्य न करने का आदेश भी दिया। बरेली जिले में खनन माफियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अधिकारियों पर हमला भी करने से नहीं चूक रहे। इज्जत नगर क्षेत्र में खनन माफियों ने एसडीएम सदर सहित उनकी टीम पर हमला कर दिया। एसडीएम सदर की टीम की तरफ से इज्जत नगर में एक मुकदमा दर्ज कराया गया। जानकारी के मुताबिक एसडीएम सदर की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि अब्दुल्ला माफी गाँव में अवैध खनन चल रहा है। रामपुर में बीती रात तेज बारिश के साथ आया तेज तूफान ने गांधी समाधि रोड पर तबाही मचा दी। विद्युत विभाग को भारी नुकसान पहुंचाया है। शक्तिशाली यूकेलिप्स का पेड़ और एक विभाग का बिजली का खंभा तूफान से तहस नहस हो गया। विद्युत विभाग से संबंधित अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। सड़क पर बने डिवाइडर को भी भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते रोड भी पूरी तरह से बंद हो गया है। इस मामले में कोई जान नुकसान की सूचना नहीं मिली है। योगी सरकार ने 55 जिलों में कोरोना कर्फ्यू हटा दिया है और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके बाद आज से बाजार खुलने शुरू हो गए हैं। जालौन बाजार खुलते ही भीड़ जमा होने लगी, साथ ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जे उड़ाते हुए नजर आए हैं। वहीं लोगों में कोरोना का खौफ नहीं दिखाई दिया और लोग बिना मास्क लगाए बाजार में खरीदारी करते दिखे। पीलीभीत में भारत सरकार के अभियान के तहत जल संरक्षण अभियान को लेकर 49वीं वाहिनी के एसएसबी जवानों ने ललौरी खेड़ा ब्लॉक स्थित खरवा गांव में खाली पड़ी जमीन पर बने तालाब को खोदकर गहरा किया। उसके बाद तालाब के आसपास पेड़ पौधे लगाने और बरसात के पानी का संरक्षण करने के लिए इकट्ठा हो दिया। इसके अलावा कोविड-19 के चलते ग्रामीणों को जागरूक किया, साथ ही मास्क सैनिटाइजर आदि का वितरण किया। प्रतापगढ़ में शादी के स्टेज पर बीती रात दुल्हन ने रिवॉल्वर से हर्ष फायरिंग की, वहीं दुल्हन के हाथों में रिवॉल्वर देख बारातियों के होश उड़ गए। दुल्हन के चाचा के नाम रिवॉल्वर का लाइसेंस है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो से पुलिस की फजीहत हुई है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आनंद फानन में पुलिस ने हर्ष फायरिंग पर केस दर्ज किया है। उच्च अधिकारियों ने शस्त्र के निस्तारण करने का निर्देश दिया। जेठवारा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर का ही पूरा मामला। फिरोजाबाद में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव करते हुए पुलिस और लोगों के वाहन तोड़ दिए। पत्थर लगने से चौकी इंचार्ज और पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। उन्नाव में बीते 3 दिन से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कई जगह पर कटान शुरू हो गया है। वहीं कटान ने गंगा की रीति में दफन हुए शवों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है, जिसकी जुबानी खुद ग्रामीण बयां कर रहे हैं। वहीं अधिकारी इससे इतर बात कर रहे हैं और शवों के गांव में नहीं बहने मिलने का दावा कर रहे हैं। एसडीएम बीघापुर का दावा है कि उन्होंने पुलिस के अधिकारियों के साथ गंगा का निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें कोई शव बहता नहीं दिखा। आपको बता दें कि बीते दिनों बक्सर घाट पर गंगा किनारे के पास कई शवों को दफन किया गया था, जिसमें खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने शवों को सही से ढकवाया था। बलिया के भाजपा बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले 2 लोगों पर सोमवार को बैरिया पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सचो बैरिया राजीव कुमार मिश्र ने बताया कि चांदपुर निवासी बिहारी सिंह की तहरीर पर निखिल दुबे निवासी टोकटी और बिट्टू सिंह निवासी चांदपुर पर धारा 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच की कार्रवाई शुरू कर दी है। अमूमन पुलिस का जिक्र होते ही आमजन के जहन में जो तस्वीर उभर कर आती है, आज सड़कों पर दिख रहे नजारे उससे बिल्कुल जुदा है। मुद्दा की इस घड़ी में सीओ सिटी खुद धरातल पर उतर कर लोगों की मदद कर रहे हैं, उससे लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान लगातार दिखाई दे रहा है। सीओ भूखों को खाना ही नहीं खिला रहे हैं, बल्कि जरूरतों को उनके घर का सामान भी पहुंचा रहे हैं। वहीं अपनी असल जिम्मेदारी निभाते हुए पुलिस वाले गाइडलाइन तोड़ने वालों को भी सबक सिखा रहे हैं। सीओ सिटी राजकुमार सिंह ने एनजीओ की मदद से गरीब बच्चे और महिलाओं तथा राहगीरों को भोजन दिया है। वहीं भोजन पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे हैं।
महाराजगंज में चोरों के हौसले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से चोरी की घटनाएं रुकती नजर नहीं आ रही। ताजा मामला निचलौल कस्बे के पीएनबी बैंक का है, जहां से लाइव चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 48 सेकंड का एक वीडियो बीती रात से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बकायदा देखा जा सकता है कि एक युवक सफेद और नीले रंग की टी शर्ट और नीली जींस में आता है। पहले इर्द-गिर्द देखता है, उसके बाद बाइक पर बैठता है। चारों तरफ निगरानी करने के बाद जेब से चाबी निकालता है और बाइक में लगाता है। फिर थोड़ी सी मशक्कत करता है, इतने में बाइक का लॉक खुल जाता है और बाइक को युवक घुमा सड़क के दूसरे हिस्से में ले जाता है और लेकर भाग जाता है। पीलीभीत में 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, जिसको लेकर जिले में अलग अलग स्थानों पर 9 वैक्सीनेशन कैंप पर टीकाकरण करवाया जा रहा है, जिसको लेकर डीएम प्रकृत खरे 100 टीकाकरण कैंप के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हादसा से पुलिस और एसओजी टीम की बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। एक हफ्ते पहले हुई लूट का खुलासा किया गया। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से लूट करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। पकड़े गए दोनों बदमाशों के पास से 2 अपाचे मोटरसाइकिल, 2 वैध देसी तमंचे और 4 कारतूस बरामद किए हैं। बदमाशों के पास से पुलिस ने लूट के 3 लाख रुपये भी बरामद कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।